हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर के आया हूं वो मेन अजमेर रोड के ऊपर लोकेटेड है, जो कि अपने भाकरोटा है वहां से बहुत ही पास में गोविंद विला के नाम से। यहां पर मैं आज आपको जो है एक बहुत प्यारा सा विला दिखाने जा रहा हूं, जो कि फुल डुप्लेक्स होने वाला है और लगभग 93 गज के अंदर बना हुआ है। 19.5 का फ्रंट होने वाला है। देखिए, इस फ्रंट के साथ में ऐसी प्रॉपर्टी मिलना सच में एक लाजवाब सी बात होने वाली है। हमारे पास में 3 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपको 2 तो सेमी कॉर्नर है और 1 कॉर्नर जो है विला भी अवेलेबल है। प्राइजेस तीनों के जो है अलग अलग होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या प्राइस होने वाला है, लेकिन एक बार पहले फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए। कितना प्यारा और खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। आप देखिए फ्रंट एलिवेशन इसका, 3 यूनिट्स हैं जो कि आप लाइन से देख रहे हैं कैसी यूनिट्स आपको अवेलेबल हो रही है। और ईस्ट फेसिंग का मकान है, 19.5x42 के डायमेंशन में बना हुआ है। आसपास का लोकेशन भी देख सकते हैं कैसी लोकेशन होने वाली है, आसपास की लोकेलिटी देख लीजिए कैसे होने वाली है। और अगर मैं बात करूं और क्या कुछ मिल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से देखिए उस तरफ, वहां पर भी कुछ विला बन रहे हैं। यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी कुछ विला बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और कॉलोनी जो है पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होने वाली है। आपने देख लिया इसका फ्रंट एलिवेशन, कितना प्यारा और खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन है। साथ ही एज़ पर वास्तु के हिसाब से ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। जहाँ पर अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो पार्किंग का जो स्पेस है वो इतना बड़ा दिया गया है, जहाँ पर अपनी एक बड़ी कार आप इजिली पार्क कर पाएंगे। वाटर टैंक प्रोविज़न आपको प्रोवाइड कराया गया है। ऊपर की साइड में आप देखिए मकान की हाइट बहुत अच्छी दी गई है। इस साइड में अगर मैं बात करूं तो ये जो स्पेस आपको मिल रहा है ये इसके लोबी का स्पेस है, जहां पर आप अपने गमले वगैरह लगा सकते हैं, बाइक पार्क कर सकते हैं। तो ये स्पेस भी यहां पर आपको अवेलेबल करवाया गया है। अजमेर रोड पे बहुत सारी पार्टीज जो है डिमांड करती है कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी दिखाइए जिसका साइज़ हमारे हिसाब से फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से हमें जो है प्रॉपर्टी दिखाई है। तो लगभग 93 गज के अंदर बनी हुई प्रॉपर्टी, 19.5 का फ्रंट है, ये भी बहुत अच्छी बात होने वाली है। और ये स्पेसिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको वाटर टैंक प्रोविजन मिल जाता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सेमी कॉर्नर का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 57 लाख रुपये, और कॉर्नर का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 60 लाख रुपये। आप इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अभी देखिए 19 का फ्रंट है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर जो हॉल का साइज़ है वो बड़ा होने वाला है। हॉल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है। सामने की साइड में LED पैनल आपको मिल जाता है। स्टेयर्स आपको अंदर से दी गई है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर, साथ ही इसके जो है टेरेस पर आपको लेकर के जाती है। सामने की तरफ इस तरफ देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉलपेपर। ऊपर की साइड में कुछ आपको देखिए वुडन का जो है वर्क करके दिया गया है, जहाँ पर आपका डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं। और जस्ट ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन दिया गया है, जहाँ पर आप इजीली हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। और इस साइड में आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम। तो कॉमन बाथरूम भी एक बार देख लीजिए कैसा होने वाला है। यहाँ पर साइज़ जो है रूम के भी, हॉल के भी, सभी के आपको साइजेस बड़े बड़े दिए गए हैं। भले ही ये प्रॉपर्टी जो है 93 गज के अंदर है, लेकिन इसका फ्रंट जो है 19 का है और डेप्थ जो है 42 की, तो चौकोर सा मकान हो जाता है, तो इसलिए आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। स्टोर रूम के लिए यहाँ पर इस जगह को जो है सीढ़ी का नीचे का जो पार्ट है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया गया है, जहाँ पर आपका जो भी सामान वगैरह चाहे वो आप इजीली रख पाएंगे। जो आपका ज़्यादा सामान यूज़ नहीं आता है उसे आप यहाँ पर रख पाएंगे। किचन की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर देखिए वुडन का पार्टीशन, एक वॉल आपको मिल जाती है। इस साइड में पूरा ये वुडन का काम करके दिया गया है। और ये आ जाती है इसकी किचन। किचन का साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ी साइज़ है। अगर देखिए आपके घर में कोई प्रोग्राम वगैरह है, 5 से 7 लेडीज़ भी अगर खड़ी हो जाती है ना इसके अंदर, तो भी अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं बात करूँ काउंटर टॉप की तो ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है। ऊपर की साइड में आपको प्रॉपर कैबिनेट्स हैं। इस साइड में भी आपको विंडोज़ आपको मिल जाती है, बीच में आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसमें हॉल बना करके दिया गया दीवार पर, चिमनी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो अच्छा साइज़ मिल रहा है आपको किचन का भी, और प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइस देखिए सेमी कॉर्नर का 57 लाख रुपये प्राइस होने वाला है, और कॉर्नर का प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 60 लाख रुपये। तो प्राइस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। सामने की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वॉलपेपर है। ऊपर की साइड में आपको देखिए फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। फैन यहाँ पर लगा करके दिया गया है। साथ ही यहाँ देखिए ये मिल जाती है आपको वार्डरोब। कहाँ पर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो भाकरोटा अजमेर रोड के ऊपर लोकेटेड है। गोविंद विला के नाम से ये प्रॉपर्टी होने वाली है। 3 यूनिट्स अभी हमारे पास में अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल कीजिए, क्योंकि अभी देखिए प्रॉपर्टी ये अभी रेडी की गई है, 2 अभी रेडी हो रही है, उसमें कुछ कारपेंटरिंग का काम बाकी है। यहाँ पर विंडो है, पीछे बैकयार्ड का एरिया है वो भी आप देख लीजिए। प्राइस होने वाला है मात्र 57 लाख रुपये, जो कि सेमी कॉर्नर है, और कॉर्नर का प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 60 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये का फर्क है। अगर कॉर्नर लेना चाहते हैं तो कॉर्नर हमारे पास में एक ही यूनिट अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या फिर विजिट करने के लिए। काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं हम लोग 15-20 दिन बाद में जो है ऐसे बुक करेंगे, लेकिन होता क्या है कि प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, क्योंकि नवरात्रे का और जो है अपने अभी समय आ रखा है दिवाली का, उस टाइम पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बुक होती है। सामने की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर है। ऊपर की साइड में देखिए फुल सीलिंग का वर्क आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको देखिए प्यारा सा वॉलपेपर, लाइटिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा आपको दिया गया है।
तो ये तो देख लिया आपने हॉल, हॉल का साइज नीचे भी काफ़ी बड़ा दिया गया था और इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी काफ़ी बड़ा जो है इसके हॉल का साइज दिया गया है। इसका रूम भी देख लेते हैं और रूम के साथ में यहाँ पर भी अटैच बाथरूम आपको दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉलपेपर, ऊपर के साइड में फॉल सीलिंग का वर्क, रूम के अंदर आपको मिल जाती है वार्डरोब और साथ ही उस साइड में देखिए अटैच बाथरूम है और बाथरूम के साथ रूम के साथ में आपको बैकयार्ड का एरिया भी है। यहाँ पर एक बाथरूम मैंने आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दिखा दिया, एक इसके फर्स्ट फ्लोर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको सेकंड रूम के साथ में भी मैं आपको जो है अटैच बाथरूम दिखाऊंगा। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर लोकेटेड है, भांकरोटा अजमेर रोड के ऊपर, मेन अजमेर रोड से मात्र और मात्र 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी होने वाली है, गोविंद विला के नाम से। ये मास्टर बेडरूम है, सामने की साइड में यहाँ पर देखिए ये मिल जाता है आपको वार्डरोब, इस साइड में वॉलपेपर, ऊपर की तरफ देखिए वहाँ पर आपको जो है फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है जो कि इसके वॉलपेपर लगा करके दिया गया है। इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है, बड़ी सी विंडो है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। वहाँ पर आ जाती है बालकनी, काफ़ी बड़ी बालकनी दी गई है, साथ ही रूम के साथ में अटैच आपको बाथरूम भी है। तो ये आ जाता है इसका बाथरूम, काफ़ी बड़ा बाथरूम आपको दिया गया है, वहाँ से वेंटिलेशन का स्पेस आपको अवेलेबल करवाया गया है। प्रॉपर्टी का साइज होने वाला है 93 गज 93 गज के अंदर बनी हुई 19.5 के फ्रंट के साथ में बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी मैंने आज आपको दिखाई। ये देखिए यहाँ पर भी आपको मिल जाता है ये स्पेस जो कि इसकी बालकनी का स्पेस है। एक बार आसपास का एरिया भी देख लीजिए, यहाँ से पिंक पर्ल बहुत ही पास में होने वाला है, महिंद्रा सेज यहाँ से बहुत ही पास में है, साथ ही स्कूल्स या कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ से मणिपाल यूनिवर्सिटी बहुत ही पास में है, बात करूँ यहाँ से अगर मैं स्कूल्स की तो दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ से बहुत ही नियर बाय है, जयश्री परिवाल स्कूल यहाँ से बहुत ही नियर बाय है। प्रॉपर्टी का प्राइस मैं बता चुका हूँ 57 लाख रुपये इसका प्राइस होने वाला है, कॉर्नर सेमी कॉर्नर का सेमी कॉर्नर का, और कॉर्नर का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 60 लाख रुपये। तो 60 लाख रुपये में कॉर्नर सेमी कॉर्नर आपको जो है 57 लाख रुपये मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को विजिट करना या परचेज करना तो नंबर मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए और साथ ही विजिट करने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, वीडियो आए पसंद तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक